आपको जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। फ्रूट पंच के लेमन चाहिए आपको, टैंग और स्प्राइट चाहिए। मिंट मैंने रखा था सिर्फ डेकोरेशन के लिए, अगर आप चाहें तो श्रेड करके डाल दें। ये लेमन अब मैं जो है इसमें कट करके स्क्वीज कर दूँगी। यहाँ पे मैंने शुगर जो है प्लेन वाटर में ऑलरेडी सोक करके तकरीबन एक घंटा पहले रख दी थी ताकि डिज़ोल्व हो जाए। तो गाइस ये जो है ड्रिंक है बहुत रिफ़्रेशिंग है, इसमें टैंग, स्प्राइट और लेमन के अलावा अगर आप चाहें तो पहले वो एक ड्रिंक आती थी शिजान, वो भी डालते थे लेकिन अब वो आती नहीं है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे शुगर डिज़ोल्व ऑलमोस्ट हो गई है, ये प्लेन वाटर में रख दी थी मैंने। तो अब मैं यहाँ पे जो है लेमन जूस जो है वो डालूँगी, लेमन स्क्वीज़ करेंगे हम ये ड्रिंक। अब जैसे माशाल्लाह रमज़ान जा रहा है तो एंड के डेज़ है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक और अच्छा सा रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी बनाया जाए। लेमनेड तो डेली बनता ही, और बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे रूह अफ़ज़ा के साथ भी कोई ना कोई ड्रिंक बन ही जाता है लोग, लेकिन आज मैंने सोचा ये थोड़ा सा जो है एक ड्रिंक बना देते हैं जो कि फ्रूट पंच भी कह सकते हैं आप, लेमनेड पंच भी कह सकते हैं आप इसको, तो बड़ा रिफ़्रेशिंग है, थोड़ा डिफरेंट है। बस इसके इंग्रेडिएंट्स में चीनी होती है, लेमन होते हैं और लेमन जूस होता है, स्प्राइट होती है और टैंग होता है। इन सब चीज़ों को आपने डाल देना है ये जग में, डाल के स्टेप बाय स्टेप डालते जाएं और शुगर को साथ साथ डिज़ोल्व करते जाएं। अब लेमन जूस मैंने इसमें डाल दिया है और मैं साथ साथ चीनी को भी मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद हम टैंग ऐड कर देंगे। मैंने ये ऑरेंज टैंग दिया, आप चाहें तो मौसमी वाला टैंग भी ले सकते हैं, आप चाहें तो मैंगो टैंग भी ले सकते हैं, जो भी टैंग आपको पसंद हो। वैसे मुझे ऑरेंज टैंग पसंद है या मौसमी टैंग पसंद है तो मैं वही ऐड करना पसंद करती हूँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट, आप इसमें सेवन अप भी डाल सकते हैं, तो मैं इसमें स्प्राइट डालूँगी, आज मेरे पास स्प्राइट ही थी। तो ये आप इसकी जो क्वांटिटी है वो आपने अपनी मर्ज़ी से जितने, अगर आपके घर में ज़्यादा गेस्ट है, ज़्यादा लोग हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। हमारे घर में ऑब्वियसली 2 to 3 ग्लासेस ही चाहिए थी तो मैंने इसमें इतना ज़्यादा नहीं रखा है। स्प्राइट भी हाफ लीटर थी जिसमें से मैंने हाफ ऐड की। तो ये देखिए स्प्राइट यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है, बड़ा रिफ़्रेशिंग होता है ये, कभी कभी ड्रिंक चेंज करना चाहिए। उसके साथ प्लेन वाटर मैंने इसमें, ये ठंडा पानी है, कोल्ड प्लेन वाटर, अब ये वो मैं ऐड कर दूंगी इसमें। थोड़ा सा ही टाइम था तो मुझे जल्दी से आइडिया आया तो मैंने कहा ये बना रही हूँ। अच्छा ये मैंने साथ जो आइस क्यूब्स फ्रीज़ की थी लेमन वाली, अब वो काम आ रही हैं, तो लेमन वाली जो आइस क्यूब्स हैं अब वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो देखिए ये हमारा ड्रिंक तैयार भी हो गया है, अब मैंने सारा कुछ इसमें मिक्स कर लिया।